सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत। दीप्ति बबूटा दी कहानी पिछा रह गया दूर पेश कर रहा हाँ। बंदे दी दौड़ घर तो घर तक, ताले विच चाबी घुमाउंदिया मालती दे बोल दिमाग च खौरू पाउण लगे। उठते बहिंदे बोली जांदी, जो सुख छज्जू दे चवारे ना वलख ना बुखारे। वह भी कोई बंदा होया जिहड़ा सिर लुकाउण लई इक कुली ना छत सके। पंछी जनौर भी तिणका तिणका इकट्ठा करदे आ, बिजड़े वर्गा आलना ना बना सकन, पर चिड़ियां भी अंडे देन तो पहलां कख काना जोड़दियां। धरती दे जीव खुड्डां पुट के परिवार दे सिर ढकण दी चाराजोई करदे आ। सारी उम्र आ सरकारी खुड्डी च ते नहीं ना कट होनी। नवी थां ते पैर लगे नहीं हुंदे ते आर्डर आ जाणगे। बदली हो गई समान बनो, कदी इस स्टेशन कदी उस। नौकरी जिथे भी करो, जिथे सौख होवे उत्थे रवो, पर बंदे दा कोई तां पक्का थां टिकाणा होवे। इत्थों पुट के उत्थे लाओ, उत्थों पुट के उत्थे लाउंदिया तां पौधा भी जड़ छड़ जांदा। रब जाने वालां दे स्कूलां दी अदला बदली की चन चढ़ाऊगी। पता लगू जिद्दन रिटायर होए ते जुल्ली विस्तरा लैके राह ना मिलिया सिर लकोण दा। समान पैक कर दी मालती दे शब्द पहली बार नहीं सुने जा रहे। असल विच घर दे निक्के वड्डे सारे कन आदि हो चुके सन सुनन दे, ते बुल्लां नू आदत पै चुकी है चुप रहण दी। हाँ, अखां इस मसले विच खुशकिस्मत रहिंदियां ते मौके दा भरपूर आनंद माणदियां, खूब ठाके मारदियां। जे किधरे उस दियां गल्लां दा दिमाग नोटिस लै लवे तां दिल दा बहन अखां नू ठलणा औखा हो जांदा। नवें क्वार्टर च समान टिका रही हुंदी जां अगले स्टेशन जाण दी तैयारी करदी समान बन रही हुंदी, ओह बुड़बुड़ उदों तक ना रुकदी जदों तक नवें माहौल च रच मिच के जिंदगी दी रेल पटड़ी ते ना आ जांदी। ए कैसेट रिवाइंड होके वार वार चलन लगदी, घर दे कम नूं लगी समान टिकाउण च दिक्कत पेश आ जांदी, जां फिर कम तों वेली होके झट आराम करन लई थां ना मिलदी। जरूरी तां नहीं महल खड़े कीते जाण, भावें मरला थां होवे, बंदा हेठां उत्ते कमरे छत लवे, अंदर भंगड़ा ना पा सकोए, घट्टो घट कोई एक कमरा तां होवे जिस नाल अपने आप नूं जोड़ के अपनी होंद महसूस कर सको। वो जो भी बोलदी सारे मौनी साध बुने सुनी जांदे। सुनदे भी क्यों ना, कुछ झूठ जां गलत कहती होवे तां कोई चूचां करे भी, पर उसदा अमृत जिहा सच मेरे लिए जहर दा घुट हो जांदा। सचमुच संगो लगाउणा औखा। अपनी छत सुखद अहसास जिंदगी दा हसीन सुपना सौंदे जागदे दिखाउण वाली मेरी अरधानगी मालती। डोली उतरी अलते नाल शिंगारे पैर दहलीज अंदर पए, झांजरां दा शनकाटा भी ना सुनिया ते क्वार्टर दा घेरा पैरां हेठ दब गया। एक कमरा रसोई गुसलखाना पखाना ते टीन दी चादर ला के कमरे दा रूप दिता होया निक्का जिहा बरांडा। एक क्वार्टर इन्ना छोटा एहसास पहला कदे नहीं सी होया। बरांडा वल खुलदा कमरे दा दरवाजा जो इस वेले बंद है दियां चीतां विचों कई कुछ मेरे आर पार गुजर रहा है। बरांडे अंदर चल रहे साहां दियां आवाज़ां मेरे कन्नां अंदर तूफान मचा रहीआं हन। दिल जोर नाल धड़कन लग्या है, सुहाग सेज ते नवीं नवेली दुल्हन सुहागण बन लई अपने आप विच सिमटदी जा रही है ते मैं मेरे पसीने छुट रहे हन। कमरे अते बरांडे अंदर चल रहे साहां दा शोर मेरे दिल दिमाग नूं जकड़न लग्या है।
हुसीन पलां ते ज़हनी निपुंसकता भारी पैन लगी है। नवी जिंदगी दा आगाज़ हिम्मत करके मैं बैड ते सीधा होके बैठन लग्या। चर चर बैड दी चूल हिली, मैं थाए बुत हो गया। वरांडे अंदरों साह दी आवाज़ होर उची होके चूल दी चर चर ते हसन लगी। पहले साह तो जो दर्जा चार क्वार्टर सुख दुख दा साथी रहा सी, अज अरमाना ते हावी होया। सुरगां च बैठे बाप नू मेणो मेणी होण लग्या। पिता जी असी तुहाडा की विगाड़िया सी? पिता जी गेटमैन, रेलवे दर्जा चार मुलाजम, दिन रात तक फाटक बंद करन ते खोलन च लगे रहिंदे, जां फिर वाऊआं दे घरे हुक्म बजाउण लई गर्दन झुका के हथ जोड़ी रखते। माँ घरेलू औरत वेले वेले लिफाफे बनाउंदी, तंगियां तुरशियां नाल दो चार हुंदे माँ ते पिता जी। सानू चार भैण भरावां नू सुनहरी भविख देण दे ख्वाब सजाउंदे, नित नवीं सवेर उड़ीकदे। चार भैण भरावां चों वड्डा ते मैं इत्थों निक्कियां तिन भैणां। सुने बोल अर्थ वण दी सोझी आउंदी, इस तों पहलां मेरे निक्के निक्के कन्न माँ दी इक्को गल सुणदे आदी हो गए। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਾ ਛੱਤ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲ ਤਿਲ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਤਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਜੁੜਦਿਆਂ ਆਪੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੁੱਟੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਕਿਰਕ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਉਧੇੜ ਬੁਣ 'ਚ ਉਧੇੜ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਉਧੜ ਗਿਆ। ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੜਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਅਚਾਨਕ ਭੱਜ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਰਲਾਹਟ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੱਜ ਪਏ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਾਟਕੋਂ ਪਾਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਥੁੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਪਿੱਠ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ। ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਲੀਦਾ। ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ BA ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ 10ਵੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 9ਵੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 7ਵੀਂ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੌੜਾ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਗਏ। NRMU ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਕਲਰਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਹੁੜ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? 3 ਸਾਲ ਪਲਕ ਝਪਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੜਦਾ,
मरे सुपने नींदर ते पहरा लाउंदे मैनू कचीचियां पैंदियां पर भैणां दे चंगे नतीजे चेहरे दी नुहार बदल दिंदे। मेरे नालों निक्की आई टी आई च सिलाई कढ़ाई दा डिप्लोमा करन लगी। मैं छेती ही एक भैण नूं व्याह के भार हौला करन लई दिन रात ब्यौंतां घड़न लग्या। उस नालों छोटियां भी सिर नालों उच्चियां हो के डोबू पाउण लगियां कि व्याह विच वी दा रौला पै गया। मैं भी कदी सिरा बन्नांगा चित चेते भी नहीं सी। मैं तां जिन्नी छेती हो सके भैणां नूं हन्ने बन्ने लाउण दीआं स्कीमां च उलझिया विभागी चेतावनियां दे जवाब दिंदा डर तों आदत तक दा पेंडा तय कर चुक्या। बाऊ जी व्याह करा लो, होर कुछ नहीं तां पेंड दी जिप तां बंद करन दा ख्याल रहा करूँ। वाटरमैन दारी चाह देण आया हसी जावे, मैं मूँह सिर ते हथ फेरी जावां, दाढ़ी वधी खिलरे वाल ते उही पेंट दी जिप वल इशारा करदा दोहरा चौरा होई जावे। उसकी हरकत का नोटिस लैंदिया मेरा हथ सीधा पेंट की जिप ते गया, मेरा रंग उड गया, पूरा लैटर बक्स खुला, तेड़ कच्छा बिना जिप बंद करां फ्री होई हेठां उत्ते भजी जावे। किन्ने पार्सल दर्शन कर गए, सोच सोच के मेरा भी हासा छुट गया। तीन कच्छां चों एक दे लंगार लै गए, दूजा नहाउण वेले गिला कर बैठा ते तीजा ड्यूटी दी कहाल च छाया ना। मां ते भैण नूं कहणों चक गया, छेती नाल पेंट चढ़ाई ते स्टेशन ते आ के काम च रुझ गया। पेंट दी जिप धोखा दे जावेगी ख्यालां च नहीं सी। चलो जो कुछ होया सो होया, हुण कीता भी की जा सकता सी। हासे तो थोड़ा साह आया तां दारी ने मैनू व्याह करवा लैण दी सलाह देण नाल ही दसवीं पास अपनी चचेरी भैण मालती दी दस पा दित्ती। मैं गल आई गई कर दित्ती, चार दिन नहीं पए मैं ड्यूटी करके क्वार्टर परत्या। अगों दारी दे माँ प्यो मेरी माँ कोल शगन लै के पहुँचे हुए। भैण जी बिना माँ प्यो दी धी नूं मैं तां दारी नाल आपदी छाती दे दुध चुंगा के पालिया। कुखों नहीं जम्मी तां की होया, दुध दी अंदर तां है। मेरी धी वर्गी धी नहीं मिलनी तुहानूं आपदे पुत्तर लई। दारी दी माँ दी गल बात तों स्पष्ट होया मालती दी माँ शिले च चल वसी सी। प्यो बिना दसे किहड़े देश दा वासी हो गया। रब जाने मालती नूं चाचे चाची ने धी वांग पालिया पोसिया पढ़ाया लिखाया, लगर वांग बादियां वेल भैणां दवाइयां खाधी। माँ अजिहे विच शहनाई शोर बन के सिर दियां नाड़ां नूं चढ़े पर मालती नाल संजोग ना टले। व्याह दी पहली रात रिश्तेदारां दे रौले च लंघ गई। मालती नूं जी भर के वेखण नूं जी करे पर सुहाग रात वी हुंदी है उक्का ख्याल ना। अगले दिन रिश्तेदार चले गए, हुण क्वार्टर सी। माँ भैणां ते होर हनेर कोठड़ी दे दीवे दी लोह बन के आई मालती। व्याह दी दूजी पर मिलन दी रात अजीब कशमकश गल्लां करदियां चाका आवे कमरे दे दरवाजे नाल बरांडे च सुतियां माँ ते भैणां शर्म वट वट खावे। गल करन लई धुनी विचों आवाज़ कढ़ां बुल्लां तक आउंदिया फुस। मैं मालती मैं दी उलझन विच उलझा सी कि अचानक मालती बैड तो उछली सिर तो चुन्नी ला के परां वगाह मारी ते चौंकड़ा मार के मेरियां अखां चखां गड दित्तियां। मैं डौर भर होया त्रेड़ियों त्रेड़ी ते मालती हसदी होई लोट पोट होई जावे। मेरा हथ सीधा जिप ते पेंट दी थां पजामा नेफा टटोलिया लख तो नाड़ा कस्या होया फिर की होया होवे। उलझन च पानी वाला जग चुकिया अपने मूँह ते छिट्टे मारे ते पानी मालती दे सिर च। दोवें दे हासे एक मिक बरांडे चों मां दी खंगूरा रुकण च ना आवे ते इधर धड़कना बेकाबू। अगली सवेर नहाती
धोती तरोताजा मालती क्वार्टर दे कोने कोने च महकती फिरे। जिंदगी खूबसूरत है यार, मैनू अपना आप सोहना सोहना लगे। एवें ही अंदरों धुंतनिया जिया छिड़ी जान, रोम रोम झांजर बनया छनकाटा पावे। ड्यूटी तो घर परत्या मालती नू वेखण दी कहाल सीधा बैडरूम च जा वड़िया। बैड दी ढो ते वीए दियां अध वाटे छुट्टियां मेरियां किताबां, मैं हैरान मालती खुश। छुट्टिया पिछे किथे फड़िया जांदा है, भैणां नू हन्ने बन्ने लाउंदा अपना विआह करवा के बह गया। मैनू तां रसोई दा हिसाब लाउणा औखा लगदा है। मोईयां सदरां नाल मोह नहीं पालीदा मालती, आख के मैं चुप कर गया। कुछ पिछे नहीं छुट्टिया ना कुछ मोया, आपां मिल के सारियां जिम्मेवारियां निभावांगे। तुहाडियां भैणां मेरियां भी भैणां ने, तुसीं बीए मुकम्मल करो। सुपना टुटे तां जुड़ भी सकदा है, बस मरे ना। उस दियां चमकदियां अखां, उठी हुई गर्दन ते फिलासफी भरपूर तकरीर मूहरे उसदे हथ हेठ दबिया मेरा हथ ढिला पै गया ते जबान ठाकी गई। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਆ, ਤਿਣਕਾ ਤਿਣਕਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਈ ਤਰੇਲ 'ਤੇ। ਮਾਲਤੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਮਾਲਤੀ ਬਿਨਾਂ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਤੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਤੋਪਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਕੀ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਿਉਂਤਾ ਕਢਾਈ ਕੀਤਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਛਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਉਂਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਥੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੀ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾ। ਅਖੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ? ਕਦੀ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਸ਼ਨ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ 500 ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ 7500 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮਾਲਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ।
मुश्किल का हल तो सुझा दी पर अपनी पोटली चो निक्के पैसे की मदद ना कर दी। पैसे की पीर मैं चिड़ाउंदा, हाँ जी बिल्कुल हस के गर्दन होर उच्ची कर लेंदी। इसे तना तनी च विआह नूं 4 साल हो गए। मां अगली पीढ़ी झोली खिड़ाउण दी रीझ लैके चल वसी। वड्डी भैण दा विआह हो गया, उस नालों छोटी नर्स बन गई ते सब तो छोटी नाल मेरी VA मुकम्मल हो गई। असी दोहां ने रेलवे भर्ती लई इम्तिहान दिता। मेरी सहायक स्टेशन मास्टर तो छोटी दी क्लैरिकल प्रीख्या टैसट क्लीयर हो गया। मैं दर्जा 4 तो दर्जा 3 च प्रमोट होकर ट्रेनिंग लई चौंदसी जा पहुँचा। ट्रेनिंग पास की, जिस स्टेशन ते सारी उम्र पिता जी ने सिर झुका के हथ बन्नी रखे सन, उस स्टेशन ते मैं सहायक स्टेशन मास्टर लग के गड्डियां आर पार करवाउण लगा। दर्जा 4 क्वार्टरां तो पिछा छुट गया। असी छोटे क्वार्टर तो बाऊआं दे वड्डे क्वार्टर च पहुँच के इन्हां क्वार्टरां तो कदी मेरे पिता जी सिर झुकाई बाऊआं दे हुक्म पगाउंदे साडे चारां भैण भरावां लई वड्डे सुपने वेख्या करदे सन। काश इस सब वेखण लई उह जिउंदे हुंदे। 5वें साल मलती दी कुख हरी होई, दोवें निक्कियां भैणां नौकरी च आ गईआं ते सुख नाल दोवां नूं अपने खेतर च वर भी मिल गए। मां पिता जी दी कंध ते टंगी तस्वीर हो गई। भैणां आपो अपने घरां विच रुझ गईआं। मालती मैनूं पिता बनण दा सुख देण वाली सी। पिछले 5 सालां विच इह सब कुछ मैनूं सुपना जापदा। सच झूठ परखण लई मैं कदी पिंडे चुंडी वढदा, कदी अपने आप नूं मूँह ते चपेड़ मार के खुद नूं सच दी तसली करवाउंदा। मालती ने धी पुत जोड़े वालां नूं जन्म दिता। 6 सालां विच 2 ही बाल होने सन। सोच सोच के मेरा आप मूरे हासा छुट गया। मेरा परिवार भरिया पूरा घर संसार, पर मालती दा अपना घर सुपना पूरा करन लई पहाड़ दी चोटी सर करन बराबर सी। जोड़े वालां दा पालन पोषण, व्याहियां भैणां दी कबीलदारी, स्टेशन मास्टर दी तनखाह सारिआं नाल पूरी लैंदी हंब जांदी। इधर मालती गाहे बगाहे बोलदी रहिंदी, कोई पक्का थान टिकाणा होवे तां दुकान किराए ते लै के बुटीक खोल लवां। हर 4th साल नवां क्वार्टर, वालां लई नवां स्कूल, अजे बुटीक दे गाहक पक्के होण लगदे ने ते साडा बोरी बिस्तरा बनण दा वक्त आ जांदा है। तबादले दे दिन मेरी आर्थिकता दा रज के मूँह चढ़ाउंदे, पर गड्डी चली जांदी। कदी क्वेश्चन आ जांदा, पर लाइन दी मुरम्मत हुंदे ही जिंदगी रफ्तार फट लैंदी। व्याह दी 15वीं वरेगंढ मालती नूं कुछ ज़्यादा ही चा चढ़िया होया। अंदर ही अंदर कोई ताना बुनिया जा रहा है। मैं उसका चेहरा पढ़ के अंदर जाने की उलझन च उलझा होया सी। उही गल हुई, पता नहीं किहड़ी नौकर च सांभे पैसे कढ लई ते अखां भर के पैसे मेरे मूहरे ढेरी करदिआं कहण लगी, अपना घर। इन्ने पैसे मैं हक्का बक्का रह गया। मैं तां कदी मालती नूं तनखाह चों कुछ नहीं फड़ाया। पहली बारी कमेटी लई मंगे 500 रुपए देण तों इनकार ही कीता सी। फिर उसने कदी मेरे कोलों निक्का पैसा भी ना मंगिया। मैं उलझन सुलझाउण च उलझा सी कि उह बोली बदली जिथे हुंदी होवे, पर बंदे कोल कोई पक्का थां टिकाणा अपने सिर दी छत तां होवे। पता उदों लगू जदों रिटायर होए, हुण तां जवाक छोटे ने। कल नूं जदों वड्डे हो गए फिर नहीं खर्चे साह लैणे, नाले मैं किहड़ा तुहाडी तनखाह चों हिस्सा मारिआ। कल नूं वड्डे होए बाल इह तां मिहणा ना मारन कि असीं अपना घर वी ना बना सके। जाणदा सां उस दीआं सारीआं आवाज़ां उच्चियां मेरी नाभी च दब्बी आवाज़ नूं दफन करन लई लगातार उच्चियां हो रहीआं हन। असल विच उस अगे मेरी आवाज़ हमेशा दब के रह जांदी। लोणा थोड़ा गिणदी बजाए मैं सीधा सपाट पुछिआ, पता भी लगे
घर बनाना कित्थे है, जदों तक नौकरी है रहना तो जिथे पोस्टिंग हुई उत्थे ही पैना है। ये मेरा संसा उसने आपे ही हल कर दिता। तपाक देने बोली, जिला हेडक्वार्टर गुड्डी व्याही जाएगी, काका जो भी करे जिथे भी रहे घट्टो घट उसनू अपनी छत उसारन की चिंता तो ना खावेगी, उसका भी अपना जद्दी पुश्ती घर होगा। असी दोहां ने मिलके उसके जोड़े पैसे गिने, छोटे बड़े नोट ते सिक्के मिला के 1,63,000 दे करीब। इहदा की आएगा, मैं हसया। ओ उठी, पता नहीं केड़ी खुड चो एक लीरा लत्था लैदर का बैग चुक लई। ये वेखो किनिया एफ डी ते किसान विकास पत्र, मेरी हर कमेटी का हिसाब। हुण उसका हसना ते मेरिया अखां फटियां रह जाना सुभाविक सी। गिण लगे 5,000, 6,000, 7,500, 12,000 म्यूचर होईया एफ डियां किसान विकास पत्र। गिणद्या उसके चेहरे की वधदी चमक ने मेरिया अखां जल थल कर दित्तियां। वाह ओएदारी, जिउंदा रह भलिया लोका। मालती नूं बुक्कल च लैंद्या मेल दा सबब बने दारी दा दिलों धन्नवाद कीता। मालती दियां अखां राहीं वेख्या अपने घर दा सुपना मैनूं साकार हुंदा लग्या। अगले ही दिन प्लाट दी भाल लई दलालां नाल गलबात हो गई। हफ्ता नहीं पिया, एक मरला नहीं 10 मरले प्लाट दी पेशगी साई दे दित्ती। हौली हौली नीहां भरियां गईयां, उसदी हिम्मत मेरा हौसला बनन लगी। मैं सोसाइटी लोन लै लिया, पर पी जी फंड चों पैसे कढ़वाउण दी गल मालती ने मेरे संग अंदर ही कुट दित्ती। अखे मेरे वालां दा भविख दा ते ला के सुपने नहीं उसारने मैं कोई कोई ना। नीहां भरियां गईयां, आपे हौली हौली कंधां भी खड़ियां हो जाणगियां। मालती बालां नूं संभालदी, जिथे भी जांदा अपना बुटीक नाल चुक्की रखदी। एक तों दूजे स्टेशन ते बदली ने उसदे गाहकां दे डब्बे कई स्टेशनां तक पहुँचा दित्ते। सर्वाइकल की परेशानी कारण मालती ने सिलाई का काम चाहे टेलर मास्टर हवाले कर दिता, पर अपना हिसाब ना विगड़न दिंदी। व्याह की 22वीं बरेगंढ दोहरा जश्न बना के आई। मैं स्टेशन मास्टर तो स्टेशन सुपरडेंट प्रमोट हो गया ते मालती दियां अखां नाल वेख्या सुपना साडा अपना घर बिजली संग नहाता फुल्लां नाल शिंगारिया साडियां अखां सामने साकार खड़ा है। परिवार नाल हसदियां भैणां ने घर दी दहलीज़ ते पैर धरिया। मालती ने चाई चाई तेल चोया। सके सनेहियां दी भीड़ विच कोई नज़र नहीं आ रहा तां गुड्डी ते काका। असल विच ITI च दाखले ने दोहां दे सुपनियां नूं खंभ ला दित्ते। दोहां वल्लों ऑनलाइन बुक की कीता केक शाम नूं सही समय गेट ते डिलीवरी लई पहुँच गया। केक फड़दी मालती बेहद खुश है। मेहमानां नूं हस हस के मिलदी ने घर दी चट कीती। रात तक मुबारकां दिंदे मेहमान विदा हो गए अपने घर विच साढ़े दोहां दी पहली रात। बैडरूम च पहुँचे अजीब जही चरनाहट नाल होम होम रोम रोम लवरेज जिमें साढ़े ब्याह की पहली रात होवे। एक मिनट ना मालती सुती ना मेरी अख लगी। जिंदगी दे दो दहाके अखां च पिघलदे गल्लां चों टलदे एक दूजे की बुक्कल दा निग माणदे रहे। खुशी दे खंभां ते सवार उड़दी हुई रात लंघ गई। मैं अगली सवेर ड्यूटी ते पहुँचना सी। तड़के उठे नहा धो के रोजी रोटी दे टिकाने वल परतन लई तैयार हो गए। एक ही मालती घर दियां कंधां पलोसदी दरवाजे चुम के प्यार नाल हथ फेर दी दियां भरियां अखां। मेरा पुछना वाजिब सी, कुछ नहीं बस मैं चाहुंदी आं इस घर नूं मेरी ते मैनूं इस घर दी इन्नी आदत पै जाए कि मैं कुछ चिर ना आवां। यह मैथों उदास हो जाए, मैनूं खिच पवे तां मैं भज्जी आवां तुहाडे ते बालां नाल सकून दी तलाश च। उस दियां अखां भरियां छलक पईयां। झली ना होवे तां मैं मालती नूं कलावे च समेटिया, घर नूं ताला लगाया ते वापस चल पए। फैसला होया कोई भी तिथ त्यौहार जन्म दिहाड़ा
ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਹੋਵੇ, ਜਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਿਰਤ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਧੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੱਸਣ ਵਸਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੰਢ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਆਖਦੀ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਉਸਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਝਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਰ ਤਕਰਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਫੰਬਾ। ਜ਼ਿੱਦ ਮੱਲ ਬੈਠੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਤੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਡੁਸਕਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਪਤਾਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਬ ਧਰਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਛੋਹ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਲੋਸਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਚੁੰਮਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰਾ ਤਵ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਖੰਭਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਲੀ ਲਟਕੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਤੀ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਂ ਬਾਲ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਅੱਖਾਂ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੌੜੀਏ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਮਾਲਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੋਟ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਾਣਦੇ। ਬਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਦਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਡੈਡੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਾ ਘਰ ਏ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਅੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨੰਨੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ,
डैडी हटो जरा, बोलदे बेटे ने ताला खिंचा, तड़ाक करदा लॉक टुटिया, नाल ही मेरी सोचां दी लड़ी टुट गई। घर दी दहलीज़ ते पैर धरिया, दहलीज़ तो लैके मिट्टी बुल्लां नाल सुहाई, दरवाजे कंधां पलोसते दी धार निकल गई। धूड़ मिट्टी नाल भरिया घर, थां थां लगे जाले, नाल आए नौकर ने आउंदे ही ड्यूटी संभाल ली। कुछ घंटे लगे घर बैठण लायक साफ हो गया, घर दा दरवाजा चुमदे ने कंधां पलोसियां, सामने दीवार ते टंगी मालती दी तस्वीर, धूड़ नाल मिट्टी नाल धुंधली होई पई सी, तस्वीर ते पाया फुल्लां दा हार, सुक चुक्या है सुके फुल्लां दी महक, घर दे कोने कोने च मालती दी मौजूदगी बन के सुगंधियां फैला रही है। 3 साल हो गए मेरी मालती हसदी खेडदी मेरे कोल बैठी, पोते नाल लाड़ लड़ाउंदी रसोई वल गई, हाथ विच दुध दी बोतल लैके कमरे विच आई तां पसीने नाल तरबतर। गर्मी तां है नहीं पर पसीना दिमाग च शब्द जुबान ते भी आए, लड़खड़ाउंदी फर्श ते लुट गई। मैं काली नाल बाहां च लिया, आवाज़ां मारां बोले ना, हिलावां हिले ना, मिंटों पिंट हस्पताल लै पहुँचे। डॉक्टर ने नबज़ वेखी ते नांह विच सिर मार दिता, कार्डियक अरेस्ट कह के मिट्टी का पुतला साढ़े हवाले कर दिता। मैकां विखेर दी मालती फुल्लां दे रूप विच कलश विच बंद होके आखरी फेरी पाउण आई अपने हमेशा कंध ते टंगी तस्वीर बन गई। कोई भला इंज भी जांदा, मेरी भुब निकल गई। तेरे जान मगरों अज आया, वेख तेरा पोता नाल लेके, मैं कुछड़ चुके पोते दा मत्था मालती दी तस्वीर नू छुहाया। 3 दिन पलक झक झरक दे निकल गए, नू पुत नू वापसी दी चिंता ने घेर लिया ते मैनू पिछा फड़न दी तांग ने। डैडी नन्ने दे मुंडन इस घर विच करवाउणा तुहाडी जिद नहीं इच्छा सी, तुहाडी हर इच्छा हमेशा साढ़े सिर मत्थे, कल नन्ने दा मुंडन करवा के नाल दी दलाल नाल गल कर लो, गड़गांव वर्गी थां छड के इत्थे आउणा कोई तां छड्डो, असीं खुद भी अपने आप नूं मूर्ख नहीं महामूर्ख ही कहांगे। अगों नाने दे भविख दा सवाल है, जिस स्कूल च उसदा दाखला करवाउण दा विचार है इंटरनेशनल स्कूल एंड यूनिवर्सिटी नाल एफिलेटड है, आपां इस घर नूं जफ्फा मार के की करांगे। पर बेटे इस घर दी मालकन तुहाडी माँ है, उसकी इच्छा बगैर मैं ये फैसला नहीं लै सकता, आख के मैं इको बार बहस का अंत कर दिता। नू पुत नू वापस जाने की काहल है, मैनू नाल लैके जाने की जिद फड़ी हुई है, उन्होंने मेरी कोई लोड़ नहीं, उल्टा बुढ़ापा विच बीमारी खाधा शरीर मेरे अपने वास्ते ही बोझ है, असल विच बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते ने, इस हालात विच मैनू इकला छड्डन नालों मूल राजी नहीं, मालती दे जान तो बाद भी पहला वाला मैं रिहा कित्थे हाँ। मालती दी तस्वीर लगाउण लई पूरी कंध ते करवाया ताज़ा पेंट चमक रहा है, मालती दी तस्वीर नौकर हथों लैके मैं आप साफ करके टंग दित्ती, ताज़ा गेंदे दा हार पा के तस्वीर बनी मेरी मालती भी फुलवाड़ी वांग खिड रही है। मैं तस्वीर नू पलोसिया होकियां लैंदियां, पता नहीं चित विच की आया, जेब विचों पर्स कढ़िया अपने पासपोर्ट साइज फोटो कढ़ी, मालती दी फोटो दा हार एक पासे चुक के सज्जे पासे फोटो फ्रेम विच अड़ंग दित्ती। वापसी दी तैयारी हो गई, घर नू लगाउण लई आया नवां ताला हथ विच फड़ी, पुत्तर दलाल नाल घर वेचण दी गल कर रहा है, नहीं जी नहीं इत्थे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हाँ गुड़गांव च कुछ होर प्रॉपर्टी लैण दा विचार है, तुहाडी नॉलेज च कोई पड़ते वाला सौदा होए तां दस्सिओ। दरवाजे नूं ताला मार के पुत दलाल नाल गल करदा कार वल वधण लग्गिया, उसदे बोल मैनूं डोबू पाउण लगे, मैं घर दीआं कंधां पलोसदा मुख दरवाजा चुमदा सिसकण लग्गिया, दादू पोते ने मेरा हथ खिंचिआ, मैं आखरी वार दरवाजे नूं पलोस के चुमिआ, कुछ पिछे नहीं छुट्टिया, ना ही कोई सुपना मोया, मेरा त्राह निकल गया, लग्या जिवें मालती मेरे कन्न च बोली होवे, वुखलाहट च मालती मालती आवाज़ां मारदा इधर उधर झाकण लग्या, ये की नन्ने
नन्ना भी मेरिया नकलां लाउंदा कंधा पलोसदा दरवाजा चुम रहा है। मेरे बुल फरके ते मोह भिजियां अखां छलक पईयां। मैं नन्ने नूं कलावे च लैके सिर पलोसिया ते चुमणा दी झड़ी ला दित्ती। कार स्टार्ट करके हारन मारदा पुत्तर आवाज़ां मारन लग्या है, डैडी आ जाओ घर किधरे नहीं भज चलिया, ना इहनूं खंभ लगे ने ना पैर। पुत्तर दे बोल सुन मन दा पंछी हस्या। मैं एक वारी फिर तो घर दी चौखट ते हथ फेरिया ते नन्ने नूं कुछड़ चुक भौं भौं के वेखता कार वल नूं हो तुरिया। धन्नवाद। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना तुहाडे लई।